हालांकि चेन्नई सुपर किंग को आईपीएल 2022 में अपने पहले 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब तक खेले गए हर मुकाबले में एमएस धोनी ने अपनी एक छाप छोड़ी है। जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ने इस सीजन में अपने पहले 2 मैचों में अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने तीसरे मुकाबले में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। दरअसल इस मुकाबले में धोनी की प्रतिभा और ईमानदारी दोनों ही एक साथ मैदान पर देखने को मिली। इस रोमांचक मुकाबले के दौरान स्टंप के पीछे एक शानदार डाइव कैच लपकने के बाद धोनी ने ईमानदारी का अद्भुत नजारा पेश किया। दिग्गज विकेटकीपर ने लेग साइड की तरफ एक शानदार कैच लिया, लेकिन वो खुद उसको लेकर अस्वस्थ नहीं थे, जिसके कारण माही ने खुद ही थर्ड अंपायर को फैसला देने के लिए इशारा किया। दरअसल सीएसके के तेज गेंदबाज ड्वेन प्रिटोरियस ने अपने एक ओवर में गेंदबाजी करते हुए लिविंगस्टोन को चकमा दे दिया था। लियाम लिविंगस्टोन ने लेग साइड की दिशा में गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब ना हो सके थे। वहीं विकेटकीपर धोनी ने जल्दी से एक शानदार डाइव लगाई और कैच लपक लिया। रियल टाइम में देखने पर ऐसा लगा कि धोनी ने कैच पकड़ लिया है। कैच को देखने के लिए ऑन फील्ड अंपायर ने इस मामले को थर्ड अंपायर के पास भेजा। तीसरे अंपायर ने फिर रिप्ले को करीब से देखा और इस नतीजे पर पहुंचे कि गेंद धोनी के कैच पकड़ने से पहले टप्पा खाई थी और बल्लेबाज को नॉट आउट दे दिया गया। वहीं इस बीच कई फैंस ने 40 साल की उम्र में उनकी फिटनेस को की भी सराहना की। बता दें कि धोनी ने अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और तब से केवल आईपीएल में ही खेलते हैं। विशेष रूप से उन्होंने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को कप्तानी सौंपते हुए सीजन से पहले कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया, जैसा कि वो पिछले कुछ सत्रों में बल्ले से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। कई लोगों ने ये भी माना कि वो आईपीएल 2022 में सभी मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन इस सीजन के पहले ही मुकाबले में शानदार अर्धशतक लगाया और सभी आलोचकों को जवाब भी दिया था। खैर दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को लेकर आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।